in all his destructive vultural wrath, and Rahu and Ketu on the backs of a tiger and a pigeon are an indelible part of the different stories on the aspects of the Navagraha Charitam. The interpretation of Navagraha Charitam thus would be presented in this dance drama. Concept and choreography, Meenu Thakur. Music, Siddharth Das. Lyrics, Rishi Raj Pathak. आइए चलते हैं नवग्रहों की दुनिया में और देखते हैं उनकी प्रकृति एवं उनसे जुड़ी लघु कथाएं। प्रस्तुत है भगवान सूर्य की उदात्त कथा, जिसमें वे दिंडी की उपासना से प्रसन्न हो उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करते हैं। That ticket, 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 that tic
नमस्कार रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप देख सकते हैं मीनू ठाकुर जी को, जो इस देश की जानी मानी कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। हम उनसे इस डांस के बारे में और उनके अपने नृत्य सफर के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को। तो सबसे पहले तो मीनू जी यही जानना चाहेंगे कि जितना एक तो उत्तर प्रदेश की मेरी भी पैदाइश है और इलाहाबाद में पैदाइश, इलाहाबाद में पढ़ाई लिखाई, मूलतः बनारस, उन सारी चीजों को देखते हुए जो पहला प्रश्न आता है मन में वो ये कि पिताजी तो संगीत से उनका कोई सीधा रिश्ता नहीं था, माँ का भी कोई सीधा रिश्ता नहीं था, फिर ये नृत्य कैसे दिमाग में आया और ये कैसे सफर कैसे शुरू हुआ, क्या कोई शौक था उन लोगों को, आपके अंदर ये नृत्य कहाँ से आया? ये मैं कहना चाहूंगी कि ये शौक जो था मेरी मदर को था, नृत्य का शौक। और मुझे भी बचपन से मेरी माताजी ने बताया कि जब मैं छोटी थी तो म्यूजिक से बहुत लगाव था। जैसे जब मैं रोती थी तो मेरी माँ मेरे कान में वो म्यूजिक या रेडियो जो होता था वो रख देती थी तो मैं चुप हो जाती थी। तो वो चीज जब मैंने बड़े होकर के जानी तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि चलिए कुछ ये रूट थी कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है। और इसी वजह से संगीत का जो लगाव था वो नृत्य की तरफ बढ़ गया। और घर में पहले नृत्य किया करते थे, उसके बाद मैंने अपनी माता जी को बोला कि मुझे नृत्य सीखना है, तो उन्होंने मुझे फिर नृत्य की शिक्षा के उसमें डाल दिया और फिर मेरी नृत्य की शिक्षा शुरू हुई। और इसी तरह से सफर हमारा जारी हुआ और इस क्षेत्र में बढ़ते गए। एक प्रश्न और बड़ा स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश का अपना बेहद लोकप्रिय डांस अगर है कोई तो वो कथक है, लेकिन आपने कुचिपुड़ी को चुना, तो इसके पीछे की भी कोई कहानी होगी, कोई वजह होगी, वो वजह शेयर करें हमसे। बताना चाहूंगी कि मैंने जब नृत्य की शुरुआत की तो कथक से ही की। मैंने कथक नृत्य की शिक्षा ली 5 साल तक कथक केंद्र से, और उसके बाद मेरा रुझान जो है कुचिपुड़ी की तरफ गया। उसकी भी एक छोटी सी ये कहानी है कि मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया था तो कुछ समय के लिए ये मेरी शिक्षा थोड़ी रुक गई थी जो कि कथक की थी। और उसी दौरान मेरा कोर्स भी पूरा हो गया था जो फाउंडेशन कोर्स रहा। और फिर मुझे किसी फ्रेंड ने बताया कि एक कुचिपुड़ी नृत्य की वर्कशॉप चल रही है तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते, तो मेरी फ्रेंड मुझे लेके गई और वहाँ जो कुचिपुड़ी मैंने देखा मुझे बहुत ही पसंद आया और वो मतलब मुझे लगा कि यही मुझे सीखना है और यही मुझे करना है। सो इस तरीके मैं कुचिपुड़ी की तरफ मेरा रुझान बढ़ा और अभी तक मैं नृत्य सीखती हूँ, सिखाती हूँ और परफॉर्म करती हूँ। और इस सफर में किन किन गुरुओं का आशीर्वाद मिला? चूंकि अब आपने ये जानकारी नहीं थी, मुझे ये जानकारी नहीं थी कि आपने शुरुआत कथक से ही की थी, तो कुछ उन गुरुओं का भी जिक्र करते हैं इस मुलाकात में जिनका जिनका आशीर्वाद आपको मिला और जिन्होंने आपके अंदर के कलाकार को गढ़ा। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि कथक केंद्र में श्रीमती भारती गुप्ता जी से मैंने कथक की शिक्षा ली थी। और उसके बाद कुचिपुड़ी में स्वप्न सुंदरी जी, जयराम राव, वनश्री राव, पशुपति सीता रमैया जी और भी अनेक दो गुरु रहे हैं मेरे जिनसे मैंने ये शिक्षा ली है। तो इन गुरुओं के आशीर्वाद से ही मैं जो भी कर रही हूँ वो मतलब मुझे लगता है अभी बहुत कम है और आगे और भी शिक्षा लेनी बाकी है। ये मीनू जी तय करना कि डांस करना है और प्रोफेशनली डांस करना है, ये फैसला भी आसान नहीं होता क्योंकि अमूमन अब तो खैर स्थितियां थोड़ी बदली हैं ये स्वीकार करना होगा, लेकिन कुछ साल पहले तक सवाल यही होता था लोगों का कि हाँ ठीक है कथक कर रहे हो वो तो ठीक है, काम क्या करते हो, या शास्त्रीय गायन सीख रहे हो वो तो बहुत अच्छा है, काम क्या करते हो। तो ये गायन वादन या नृत्य का जो फील्ड है उसके साथ जो एक बहुत बड़ा फैसला होता है कि इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट करना है, प्रोफेशनली इसमें आगे बढ़ना है, ये फैसला कैसे लिया आपने?
देखिए मैं ये कहना चाहूंगी, कोई बचपन से ये कोई क्योंकि यूपी की पैदाइश थी पर पली बड़ी मैं दिल्ली में हूँ, तो ऐसा कोई घर का माहौल भी नहीं था कि जिसमें नृत्य के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाया जाए। घर में किसी ने भी नहीं सोचा था या मैंने खुद ने भी नहीं सोचा था कि मैं ये प्रोफेशन लूंगी या आगे जाके एक नृत्यांगना के रूप में मैं अपने देश के लिए काम करूंगी। तो जब ये चीज मैंने शिक्षा जब शुरू की और शिक्षा लेते लेते ही एक ऐसा मतलब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब युवा महोत्सव दिल्ली में होता है, अभी भी होता है और तब भी होता था, तो उसमें मैंने पार्ट लिया था और उसमें जो रिव्यूज आए थे उसमें मतलब जब मैंने परफॉर्म किया तो मुझे काफी सराहा। जो क्रिटिक्स होते हैं जो संस्कृति के जो हमारे नृत्य क्रिटिक होते हैं उन्होंने जब सराहा और एक तरह से ये कहिए कि प्रोत्साहित किया और गुरुओं ने भी उसमें अपना आशीर्वाद जोड़ दिया, तो इस मतलब प्रोफेशन की और कब निकल गई ये हमें आज तक नहीं पता लगा है। कभी भी सोचती हूँ तो ये सोचती हूँ कि मैं शायद ये डेस्टिनी में था इसलिए इस और निकल आया। ये तो मैं नहीं कहूंगी कि मैंने कभी सोचा था, लेकिन अब सोचा तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि यही मेरी इच्छा भी थी शायद, क्योंकि जब नृत्य करते हैं तो जो एक फीलिंग होती है, जो एक अंदर का खुशी होती है, जो हम भगवान के लिए समर्पित है, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य खाली एक नृत्य नहीं है, मतलब मनोरंजन का साधन नहीं है, उसमें साधना है, आराधना है, आपको उस चीज के लिए भगवान से जुड़ना पड़ता है, अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। तो वो जो भावना है उसको लेकर जब नृत्य करते हैं हम तो हमें उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है, तो वो एक सेटिस्फेक्शन भी है, एक मतलब मन में एक ये भी रहता है कि भक्ति भावना से हम भगवान से जुड़ गए हैं और उसमें इतना सेटिस्फेक्शन है कि एक प्रोग्राम के बाद फिर लगता है कि और अभ्यास करो और अपनी कला को सुधारो। इस तरह से जो एक फीलिंग आती है उससे मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मन में एक संतोष रहता है कि हाँ मैं शायद सही दिशा में। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, थोड़ा सा मतलब मेरे लिए तकनीकी सवाल है क्योंकि मेरी तो कोई शास्त्रीय नृत्य या संगीत की ऐसी समझ नहीं है, सुनने देखने का शौक है, संस्कार जरूर है। जैसे शास्त्रीय संगीत आप सीखते हैं, मान लेते हैं आपने राग यमन सीखा या राग पीलू सीखा या राग काफी सीखा, तो आरोह अवरोह के बाद जब आप तानों में जाते हैं तो वहां पर आपके सामने एक ग्रामर जरूर होता है कि ये ग्रामर है इस राग का, इस राग के ग्रामर के बीच में ही हमें जो करना है वो करना है। लेकिन ताने आप खुद से अपने आप बनाते हैं, आप जितना ज्यादा उस राग में घुसते जाते हैं उतना ज्यादा बेहतर आप ताने बनाना सीख जाते हैं और फिर वो आप उस तरीके से तानों को अपने गायकी में शुमार करते हैं। क्या ये जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें भी इस तरह की आजादी होती है कि ये तो नृत्य के इस पक्ष का ये ग्रामर है, ये तो हमको बिल्कुल हूबहू करना है, लेकिन ये ग्रामर हमको इन चीजों की छूट भी देता है, हमको इस ग्रामर के भीतर रहते हुए कुछ छूट मिलती है क्या नृत्य में? जरूर, देखिए जो बेस है हमारा नृत्य, जो शास्त्रीय नृत्य जो हमारे नाट्य शास्त्र पर आधारित है, नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पणम से ही कुचिपुड़ी का बेसिक जो है वो उस पर ही आधारित है, तो वो उसकी एक बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद जो हम ट्रेडिशनल आइटम जो सीखते हैं, जो कि हमारे पुराने ट्रेडिशन से चले जा रहे हैं, जो गुरुओं ने जिनकी कॉम्पोजिशन दी है, उसमें कोई फेरबदल नहीं करते हैं, लेकिन आप नए एक्सपेरिमेंट जरूर कर सकते हैं, नए रागों को लेकर, जैसे आप कह रहे हैं रागों को लेकर या अपने आइटम को लेकर हम न्यू कोरियोग्राफी करते हैं, हम न्यू नए तरीके से नए आयाम को लेकर जोड़ते हैं और उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट ये तो कहना चाहेंगे कि जो ट्रेडिशनल आइटम है उसमें भी आप अगर आप गुरु जी से सीखे हैं और गुरु जी के सारा उन चीजों को ग्रामर को रखते हुए आप देखिए, कोई भी कला है उसमें जो इंडिविजुअल होता है उसका अपना एक अलग से एक मतलब मैं बोलूंगी एसेंस आता है, जो कुचिपुड़ी या जो गायकी बड़े गुरु लोग कर रहे हैं और वो ही हम उनसे सीखते हैं, तो उसमें हमारा क्या योगदान रहता है वो तो हम जरूर ऐड करते हैं ना।
तो इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, शास्त्रीय नृत्य में एक्सपेरिमेंट करने की कोई मनाही नहीं है, बट एक दायरे में रहकर। ये नहीं है कि आप कुछ भी मतलब इधर उधर से कुछ भी कर दें, आप उसका एक दायरा है, अपने ट्रेडिशन को मेंटेन करते हुए आप जरूर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और बड़ा स्वाभाविक सा दिमाग में आया मेरे अभी बात करते करते, कि जब आपने 5 साल कथक सीखा था और उसके बाद आपने तय किया कि नहीं अब कुचिपुड़ी में जाना है, तो वो जो कथक की तालीम थी, कथक की जो शिक्षा थी, उसका कोई फायदा मिला इसमें, या वो पूरा का पूरा चैप्टर क्लोज करना पड़ा अपने दिमाग में कि नहीं ये भूलना पड़ा कि मैंने 5 साल कथक भी सीखा है और बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी? बिल्कुल, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब मैंने शुरू में तो ऐसा रहा कि कुछ कथक की भी क्लासेस ले रहे थे, कुचिपुड़ी की भी, लेकिन हमारे जो गुरु थे उन्होंने बोला कि आपको कथक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो कथक स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है और कुचिपुड़ी बिल्कुल अलग है। कथक सीखने से हमें बहुत फायदा हुआ, ऐसी बात नहीं है, कोई भी शिक्षा बेकार नहीं जाती है, उसमें हमें ताल का ज्ञान हुआ, अंग अंग संचालन, पथ संचालन, इनका थोड़ा नॉलेज हो गया, थोड़ा थोड़ा जो हमें ज्ञान मिल पाया वो जरूर आगे जाके काम आया। कथक का ग्रेस जो है वो चीज बिल्कुल दूसरे स्टाइल में आने के बाद उसमें और एनहेंस हो जाती है। कोई भी जो आप बेसिक सीखते हैं और दूसरे स्टाइल को अपनाते हैं तो उसमें वो चीज ऐड हो जाती है, कभी खत्म तो नहीं हो पाती है। मुझे लगता है आज भी मुझे याद है, सब चीजें याद है जो मैंने सीखी थी कथक में। हालांकि अब प्रैक्टिस तो कुचिपुड़ी ही करते हैं ज्यादा, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ती है तो कथक का भी वो हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी अगर जैसे कहते हैं ना कि हर हर गुरु अपने शिष्य को एक समय तक सिखाने के बाद ये कहता है कि हाँ अब तुम मेरे हिसाब से इस लायक हो कि स्टेज पे जाओ और स्टेज पे जाकर मेरा नाम आगे बढ़ाओ या मेरे काम को आगे बढ़ाओ या इस कला को ही आगे बढ़ाओ, तो उस तरह के कुछ शुरुआती परफॉर्मेंसेज होते हैं, आपके ऐसे कौन से शुरुआती परफॉर्मेंसेज हैं जो आपको अभी याद आते हो? सबसे पहले तो युवा महोत्सव सबसे ज्यादा मुझे याद है, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का सबसे पहला मतलब स्टेज परफॉर्मेंस था जो मैंने किया, और उसके बाद मतलब जो प्रोत्साहन मुझे सभी से मिला, मतलब सब मित्रों से, सब क्रिटिक से, सब गुरुओं से जो प्रोत्साहन मिला, उसकी वजह से फिर आगे बढ़ने का एक और मन में उम्मीद आई कि नहीं और अच्छा करना है और बढ़ना है। इसके अलावा मुझे और भी जैसे ICCR में हमने प्रोग्राम किया, ICCR से हम अब्रॉड गए, मतलब एक टूर मिलता है जब आप ICCR के पैनल में रहते हैं, तो उसमें मुझे साउथ अफ्रीका का टूर मिला था, बहुत ही अच्छा और बहुत ही यादगार मेरी ट्रिप रहा वो। तो इस तरीके से मैं और बताना चाहूंगी कि मेरा चेन्नई में महाबलीपुरम में जो पहला मेरा अच्छा यादगार परफॉर्मेंस रही मैंने किया वहां पर, मतलब एक अलग से ही एक फीलिंग होती है जब हम कहीं फेस्टिवल में जाते हैं और वहां पे आपको प्रोत्साहन मिलता है, और एट अ वेरी यंग एज, मतलब शुरुआती दिनों में बहुत ही उस चीज से बहुत फर्क पड़ता है। हालांकि आज भी अगर आप स्टेज पे जाती हूँ और लोग प्रोत्साहित करते हैं, तो अभी भी वो ही फीलिंग है जो एक मतलब यंग मीनू की थी या बड़े होने पर है, तो वो फीलिंग वही है कि आप फील, यू फील एनकरेज, यू फील कि नहीं अभी और अच्छा करना है। तो कलाकार के लिए मतलब ऑडियंस का आपको एक्सेप्ट करना और आपको प्रोत्साहित करना बहुत बहुत मायने रखता है। आप अभी थोड़ी देर पहले कोरियोग्राफी की बात कर रही थी, एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रही थी, और दो प्रोडक्शंस आपके ऐसे हैं जिस पर मैं बात करना चाहूंगा, एक समर्पण और एक यशोधरा, इसके बारे में भी बताइए। और किस तरह की ये प्रस्तुति थी, कैसे कंसीव किया आपने उसको, ये पूरा दोनों प्रोडक्शंस के बारे में बताइए प्लीज। हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि यशोधरा मतलब ये भी एक बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस रहा मुझे। तो जब मुझे ये अवसर मिला कि आपको यशोधरा के ऊपर काम करना, वो लाइव करना है और टाइम हमें सिर्फ 1 से 1.5 हफ्ते का दिया गया, तो मतलब इट वाज वेरी चैलेंजिंग, और पूरा स्क्रिप्ट, पूरे बुक्स, पूरा उसका पूरा, बिलीव नहीं करेंगे, पूरा रात भर बैठ के मैंने स्क्रिप्ट
खुद बनाया उसका, किस तरीके से उसको हम एक ड्रामा बनाए, वैसे तो बुक्स में सभी दिया हुआ है लेकिन उसको डांस के स्क्रिप्ट पे मैंने खुद बनाया और उसके बाद म्यूजिशियंस के साथ बैठ के पूरा म्यूजिक तैयार करके लाइव परफॉर्मेंस किया हमने इसका, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और दिल्ली में इसका शो हुआ था और ऑडियंस में मैं ये कहूंगी कॉलेज के बच्चे थे और पूरा कॉलेज के बच्चों के सामने उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छे से रिसीव किया और मेरी तरफ से भी, मेरे स्टूडेंट भी थे इसमें मेरे साथ और सभी को काफी अच्छे से मतलब सराहा गया और मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था कि यशोधरा का जो कैरेक्टर था मुझे बहुत ही मतलब टच किया उसमें, मतलब मुझे बहुत फील हुआ कि किस तरीके से उन्होंने मतलब यशोधरा जी की कहानी, आपको भी पता है स्टोरी कि जब वो सिद्धार्थ जी चले गए तो उन्होंने किस तरीके से अकेले अपने जीवन को में क्या क्या कठिनाइयां क्या क्या देखा और किस तरीके से पूरे जीवन को अपने समर्पित करने के बावजूद अपना एक तरह से राहुल की पूरी पूरी जिंदगी में उसको बड़ा किया और किस तरह से नारी जीवन का एक पूरा उसमें निचोड़ है कि मतलब औरतें कितनी सहनशील होती हैं और उस और किस तरीके से वो पूरे जीवन में अपने आप में ही अगर समय थोड़ा ठीक नहीं होता तो भी अपने आप को खाने के लिए खुश दिखने के लिए वो पूरा मतलब एक बताती हैं संसार को कि नहीं अगर कठिनाई है तो भी आप खुश रहिए तो भी आगे बढ़ते रहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ही प्रभावित हुई उनके कैरेक्टर से और मुझे बहुत अच्छा लगा ये नृत्य नाटिका करने। 1900 जी आप कुछ कह रही हैं? मैं कह रही हूँ मैंने और भी एक दो नृत्य नाटिकाएं कोरियोग्राफ की हैं, चरितम भी है जो कि वो मेरे बहुत दिल के बहुत करीब है, उसमें भी हमने बहुत मेहनत की और उसमें हमने सभी ग्रहों के जो कथाएं लेकर उनके ऊपर जो कोरियोग्राफी की उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा मुझे। और ऐसे ही मैंने समर्पण में उन मीरा जी का दिखाया तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे चित्रलोक रक्षिणी उसमें मैंने माँ दुर्गा का पूरा वो दिखाया कि किस तरीके से नारी शक्ति जो है वो कुछ भी कर सकती है किसी भी सिचुएशन में, कभी भी बिना घबराए वो उसको पूरा मतलब निभा सकती है या उसको सामना कर सकती है। आपकी जो संस्था है सुरम्य जो लगभग अब 2 दशक से ज्यादा पुरानी हो चुकी है, जहां इस नृत्य के प्रचार प्रसार के लिए काम होता है, किस तरह के रिएक्शंस हैं आज की जो यंग जनरेशन है, जो यूट्यूब की जनरेशन है, जो म्यूजिक में उसने बहुत सारा उसके पास एक्सपोजर है, वैसे ही डांस में बहुत सारा एक्सपोजर है, रियलिटी शोज हैं, इन सारी चीजों के बावजूद जो शास्त्रीय नृत्य है उसको लेकर आज की जनरेशन में किस तरह का एंथुजियाज्म है और किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं जब आप उनसे कहती हैं कि ये बहुत साधना का काम है या ये एक ऐसा काम है जो एक जीवन में शायद पूरा नहीं सीखा जा सकता, या जब आप उनसे कहती हैं कि चुपचाप बस अभी सीखते जाओ, बस उसका नतीजा कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता, तो ये जो इस तरह के टफ रिमार्क्स होते हैं जो शास्त्रीय कलाओं के साथ हैं उस पे बच्चे किस तरह से रिएक्ट करते हैं? जब मैं एक बात ये बोलना चाहूंगी कि मैं बच्चों को कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे, अभी मेरी एक अलग मतलब सोच है कि अगर आप बच्चों को बीच बीच में अपॉर्चुनिटी देते रहें या उनको ये एक अवसर देते रहें, इसीलिए मैं सालाना एक वो करती हूँ प्रोग्राम जिसमें हर बच्चे को स्टेज पर कुछ ना कुछ, चाहे एक श्लोक ही क्यों ना हो या 4 स्टेप क्यों ना हो, वो प्रेजेंट करने का मौका देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को सीखते सीखते अगर अवसर मिलता रहता है तो बच्चों में एक प्रोत्साहन बना रहता है और स्पेशली जो हमारी शास्त्रीय नृत्य की विधाएं हैं, जो एक ट्रेडिशन है कि 10 साल की ट्रेनिंग के बाद ही पहले हम लोगों को तो ऐसे ही अवसर मिला कि भाई पहले आपको ट्रेनिंग लेनी है उसके बाद ही स्टेज पे,
अरंगेट्रम होगा और तब आपको मतलब आगे प्रोग्राम दिया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा हटके ये करती हूँ कि बच्चों को प्रोग्राम धीरे धीरे, कभी छोटा सा कभी छोटा एक एक आइटम, इस तरह से बीच बीच में बच्चों को अवसर मैं देती रहती हूँ ताकि बच्चों में एक कॉन्फिडेंस भी रहे, जब वो स्टेज पर जाए तो वो पूरे नर्वस ना हो के अपने अरंगेट्रम को पूरे मतलब कॉन्फिडेंस के साथ वो निभाएं उसको। मेरा एक थोड़ा सा ये मैं अलग सोचती हूँ कि बच्चों को साथ साथ में अवसर देते रहना चाहिए, चाहे साल में एक बार ही क्यों ना हो, चाहे साल में दो बार हो, बट इससे बच्चों में बहुत प्रोत्साहन। और मैं बताना चाहूंगी सुरभ्य संस्था में जितने भी बच्चे हैं वो शिक्षा लेते हैं, उसके साथ साथ कभी भी ये महसूस नहीं करते हैं कि मतलब उनको बहुत ज्यादा रोका जा रहा है, क्योंकि मैं बहुत फ्रेंडली रहती हूँ बच्चों के साथ और चाहती हूँ कि बच्चे प्यार से सीखे। स्ट्रिक्ट होना है वो कभी कभी होता है, जैसे कभी गलती ज्यादा ही होती रहे तो भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि बच्चे का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। क्योंकि हम जब छोटे थे तो मुझे याद है कि मैं एक बार अपने स्कूल में अपनी डांस मैम के पास गई और मैंने बोला मुझे डांस में पार्ट लेना है, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता है जाओ। तो वो चीज बहुत बुरी लगी उस समय, और ऐसा नहीं कि मैंने वहां से चैलेंज लिया, कुछ पता ही नहीं है, वो तो भूल गए थे मैं। तो मतलब ऐसी बातें होती हैं, कभी कभी टीचर बोल देते हैं और हमें, शायद टीचर ने मन से ना कही हो लेकिन बच्चे के मन पे क्या प्रभाव पड़ा है उस चीज को हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि जो भी बच्चे नृत्य सीखते हैं, जो भी है या मेरे पास ही है किसी और गुरु के पास है, सब गुरु बड़े प्यार से ही सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। और आजकल फिर भी वो चीजें थोड़ी कम हो गई है, जैसे 10 साल या पूरा ट्रेनिंग होना है, फिर भी गुरु लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं, अवसर देते हैं। बच्चों के टैलेंट पे निर्भर करता है कि बच्चा कितना हार्ड वर्किंग है। कुछ बच्चे हैं कि शौक के लिए आते हैं कि थोड़ा सा सीखेंगे, उनका भी पता लग जाता है। हमें बच्चों को सिखाते समय ये पता लग जाता है कि भाई बच्चा लॉन्ग टर्म में जाएगा या आगे जाके इसको प्रोफेशनल लेगा नहीं लेगा, या जितना सीखेगा मन से सीखेगा, हार्ड वर्किंग है या नहीं है। तो ये सब बच्चे जब सीखने आते हैं उनका पता लग जाता है, और मोस्टली वही बच्चे आते हैं। आजकल पेरेंट्स भी बहुत जागरूक हैं इस चीज पे, वो लोग भी काफी प्रोत्साहित करते हैं अपने बच्चों को और चाहते हैं कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में तत्पर रहें और सिखाते हैं। आगे जाके बच्चा करे ना करे, देखिए वो तो बच्चे पे निर्भर करता है ना, कि उसको किस तरीके से लेता है और आगे जाके उसको प्रोफेशनली करना चाहता है या, क्योंकि बच्चे फिर स्कॉलरशिप भी लेते हैं, आगे जाके स्टेज पे करते हैं और एक वक्त आता है कि भाई वो उसको प्रोफेशन ले लेते हैं। तो ये सब ग्रेजुअली होता है। अब कोशिश करते हैं कि जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है वो हम अपने आने वाली पीढ़ी को सिखा सके। बिल्कुल, और यही अप्रोच होना भी चाहिए, क्योंकि हमने तो जब तकरीबन अब एक दशक होने को आए जब रागगिरी संस्था की शुरुआत की थी, तो कोशिश ही यही थी कि ये जो बच्चे डर जाते हैं इस आर्ट फॉर्म से, कि बच्चे को आप लेकर गए बहुत समझा बुझा कर कि चलो आज तुम्हें हम शास्त्रीय नृत्य का या शास्त्रीय गायन का कोई प्रोग्राम ले दिखाते हैं, और आप कामानी में लेकर गए और वहां जो उस्ताद जी आए या जो पंडित जी आए, उन्होंने बैठते ही कहा कि 60 साल से ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हूं लेकिन अभी तक बजाना सीख नहीं पाया, जो थोड़ा बहुत सीखा है वो कोशिश करके सुनाता हूं। तो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन तो भाग जाएगी, उसको लगेगा कि अगर 60 साल में नहीं सीख पाएंगे तो फिर सीखने का फायदा क्या है। तो आसान करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कला बहुत महान है, लेकिन इस कला को अगर हम इसकी कठिनाई बताकर अगर सिखाना चाहेंगे तो शायद रास्ता और जटिल होता जाएगा। एक सवाल और मुझे बताइए, आपने भारत में तमाम कार्यक्रम किए हैं और भारत के बाहर भी तमाम कार्यक्रम किए हैं, जो दर्शक है, क्या जब आप भारत में कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं, भारत के किसी हिस्से में कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तब का जो थॉट प्रोसेस होता है कि क्या करना है मंच पे, और जब आप लेट्स से आप बाहर साउथ अफ्रीका या किसी और देश में कर रहे हैं, क्या कंटेंट सेम होता है या कंटेंट वहां के दर्शक के लिहाज से और यहाँ के दर्शक के लिहाज से कुछ दिमाग में माइन्यूट चेंजेस करने पड़ते हैं?
मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप एक पर्टिकुलर स्टाइल को दिखाना चाहते हैं, जो जैसे मैं अगर कुचिपुड़ी की बात करूं और मुझे कुचिपुड़ी नृत्य के लिए बुलाया जाता है, तो हम उसमें कुचिपुड़ी ही दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय संस्कृति में और फॉरेन कंट्री में जाके हम अलग अलग चीजें दिखाएं। यस, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर मान लीजिए कि हम स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस के लिए एक स्पेशल एक छोटा सा आइटम है उसको तैयार कर लेते हैं, या अगर हमें बाहर जाना है और बाहर हमें कहा जाता है कि हम अपने देश को, देश की संस्कृति को दिखा रहे हैं, तो देश की संस्कृति में कुचिपुड़ी नृत्य के माध्यम से हम कुचिपुड़ी आइटम ही दिखाते हैं और उसमें अपने देश का या कोई ऐसा एक ऐड कर देते हैं एक चीज जो कि क्रिएटिव भी होती है, एट द सेम टाइम कीपिंग ऑल ट्रेडिशन इन आवर माइंड एंड वी जस्ट रिप्रेजेंट दैट। तो ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल बनाया जाता है। अगर यस, अगर कोई टॉपिक दिया जाता है, अगर मान लीजिए आप मुझे बोलेंगे मैं आपको ये एक टॉपिक देता हूँ, इसमें आपको कुछ बुरी नृत्य प्रेजेंट करना है, तो उसको हम फिर तैयार करके उस तरीके से ले जाते हैं। ये मतलब रहता है, जैसे मैं कभी भी फॉरेन कंट्री भी गई हूँ तो मैंने अपने ट्रेडिशनल आइटम्स ही पेश किए हैं, शब्दम्स हैं, कीर्तन है, हमारे जती स्वरम है या गणेश स्तुति है, तो उसी को हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि उनको नया लगता है, उनको एक्सप्लेन करते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे देश की संस्कृति है ये, हम उसी को एज इट इज आप ऐसा नहीं कर सकते कि उनको समझाने के लिए हम लैंग्वेज के माध्यम से उनको बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, तो दे रियली एंजॉय इट एंड दे अप्रिशिएट, दे डोंट वांट एनी चेंज। देखिए हर चीज में चेंज अच्छा भी नहीं है कि हर बार हम चेंज करते रहे, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ, कुछ चीजें एज इट इज होना अच्छा लगता है ना, जो हमारा ट्रेडिशन है हम उसको एज इट इज रखें और उसके अलावा हम एक्सपेरिमेंट करें वो ठीक है, लेकिन हमारी संस्कृति को हम एज इट इज ले जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी समझ पाएगी कि हाँ ये ऐसा था। अगर हर व्यक्ति चेंज करता रहेगा तो उसकी जो ओरिजिनैलिटी है वो खत्म ही हो जाएगी, ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा ना, फिर तो वो नयापन ही रह जाएगा उसमें। कोई अगर एक एक शब्दम है हमारे कुचिपुड़ी में, कृष्ण शब्दम है, तो अगर हम उसको एज इट इज नहीं करते तो हमें जो आज हमें आता है वो वैसा नहीं होता, वो चेंज होके आता। और जो गुरु लोगों ने सालों पहले, मतलब लगा लीजिए सेंचुरीज पहले जो कोरियोग्राफ किया वो अभी तक ऐसा ही चला रहा है, तो हम ये समझते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशनल है आइटम, तो इसको ऐसे ही करना है और ये चीज आगे बढ़ाना हमारा धर्म है। प्रयोगात्मक चीजें करना बहुत अच्छी बात है, मैं उसमें भी बिलीव करती हूँ, पर ऐसा नहीं कि हर बार चेंज ही करते रहेंगे, वो भी ठीक नहीं लगता है। थोड़ा सा बस ये है कि हमें अपने ट्रेडिशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए और उसमें आप एक्सपेरिमेंट करिए, कोरियोग्राफी करिए, बहुत अच्छी बात है। मीनू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और आपका गला ठीक नहीं था इसके बावजूद आपने समय निकाला, तो इसके लिए दोहरा धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी संस्था की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से, कि आप यूं ही इसी सकारात्मक सोच के साथ इस महान नृत्य परंपरा को आगे बढ़ाती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।